हालांकि अभी कुछ परिजन परेशान हैं कि कल से वो भटक रहे हैं, मगर उनके बच्चों के अभी उनको सौंपे नहीं गए। पेरेंट्स जो बाहर क्लेम कर रहे थे कि हमारे बच्चे मिसिंग है, उन लोगों से जब वार्ता की गई, सेफ्टी को लेकर आरोप लग रहे हैं, उस पर कोई जांच होने वाली? सुबह से हम लगातार कोशिश कर रहे थे झांसी के डीएम अविनाश कुमार से बात करने के लिए, और हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जो घटना हुई है उसका कारण क्या है। तो हमने हमारी क्या बात हुई उनसे वो भी सुनाएंगे, डीएम से जो हमारी बात हुई वो भी सुनाएंगे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता दूं, फिर बातचीत पे आता हूं कि 15 नवंबर रात 10:15 के आसपास जो इंटेंसिव केयर यूनिट है जहां नवजात शिशुओं का इलाज चल रहा था, कुछ वेंटिलेटर पे थे, कुछ घंटे भर पहले जन्मे थे, कुछ एक दो दिन पहले, उन सभी का वहां पे इलाज हो रहा था, और 10:15 के आसपास वहां भीषण आग लगती है। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि आग का कारण ये है कि शॉर्ट सर्किट होता है, उसके बाद जो वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे उसमें आग लगती है, और आग इतनी ज़्यादा भीषण हो जाती है कि 10 नवजात शिशु उसमें बुरी तरह जल जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अन्य जो 40-45 और वहाँ पे बच्चे मौजूद थे उन्हें बचा लिया गया है, उन्हें अलग अलग जगहों पे उनका इलाज चल रहा है। अब इस पूरे प्रकरण पे डीएम का क्या कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। शनाख्त तो गई तो उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया था, हालांकि अभी कुछ परिजन परेशान हैं कि कल से वो भटक रहे हैं, मगर उनके बच्चों के अभी उनको सौंपे नहीं गए। नहीं, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स थे और जो स्टाफ नर्सेज और ये जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी थे उन सबसे वार्ता करके हम लोगों ने जो सूची बनाई थी वो लगभग 49 की सूची बनाई थी, उन सबको ट्रेस किया गया, 38 बच्चे आइडेंटिफाई किए गए और उनका इलाज चल रहा है और कुछ डिस्चार्ज भी हैं। काफ़ी बच्चे MLB में यही मेडिकल कॉलेज में हैं और कुछ बच्चे प्राइवेट में भी हैं, और प्राइवेट में भी हम लोगों ने CMO को भी भेज के उसको वेरीफाई कराया है कि सबका इलाज समुचित रूप से दिया जा रहा है कि नहीं। और 10 बच्चों की जो डेथ हुई थी उन सब में पहले 7 आइडेंटिफाई हो गए थे प्रोसीजर्स थे उसको फॉलो करते हुए, 3 अनआइडेंटिफाइड थे। जब जो पेरेंट्स जो बाहर क्लेम कर रहे थे कि हमारे बच्चे मिसिंग है, उन लोगों से जब वार्ता की गई और जो पहचान जब वो बच्चे को लेके आए थे और जब हम लोगों ने बाद में बच्चों को उनको वो कराया और उसकी भी पहचान कराई गई अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के, उससे जैसे वेट है उन सब से जब मिलान किया गया तो वो संतुष्ट हुए। तब उसके बाद उन्होंने जब अपना खुद पहचान कर ली तभी उसके बाद पोस्टमार्टम करके उनको हैंडओवर किया गया। एक बच्चा अभी भी अनअकाउंटेबल है, मतलब ट्रेस नहीं हो पा रहा है, हम लोग उसको भी प्रयास करें। एक सेफ्टी को लेकर आरोप लग रहे हैं, उस पर कोई जांच होने वाली? जांच एक कमिश्नर सर और DIG के सर की संयुक्त अध्यक्षता, उसमें एक जांच समिति ऑलरेडी गठित है जो कि एक रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट जांच भी मेरे को निर्देशित किया गया जो कि मैं कराऊंगा। थैंक यू सो मच। ये झांसी DM अविनाश कुमार थे जिनका कहना है कि वो कमिटी बनाएंगे एक जिसमें सीनियर प्रशासनिक अधिकारी होंगे जो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शॉर्ट सर्किट हुआ क्यों, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वहाँ पे नहीं थे, क्या फायर के प्रोटोकॉल्स वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे थे, आखिर ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है 10 बच्चों की जान गई है इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है और उसके लिए क्या सज़ा तय करता है प्रशासन। ये सभी सवाल बने हुए हैं, इनका जवाब जैसे जैसे मिलता जाएगा हम आप तक पहुँचाते जाएंगे। देखते रहिए ललन टॉप, कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है, शुक्रिया।